नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप देखिए कि आपकी हर एग्जाम में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर चाहे आप लोग किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप देखिए सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम निकलते हैं उनकी तैयारी कर रहे हों, तो जो भी आपके राज्य में हों, देश में हों, दुनिया में हों, जो भी घटनाएँ घटती रहती हैं उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी एग्जाम, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि अच्छी खासी संख्या में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, और जिसमें देखते हैं कि आप लोग तमाम एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी हो गया, एमपी पुलिस का हो गया, एमपीएसआई हो गया, शिक्षक भर्ती होती रहती है वर्ग 1, 2, 3 की, और आप देखते हैं पटवारी होती रहती है, तो इनके लिए हम लोग एमपी स्पेशल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 2021-22 में जो भी आपकी घटनाएं घटी हैं मध्य प्रदेश में, उन पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे आखिर आपके लिए उन घटनाओं से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ये हम लोग जनवरी 2021 से शुरू करेंगे और वर्तमान तक सभी क्लासें कवर करेंगे, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही विस्तार से हम लोग बात कर लेंगे और सभी घटनाओं के बारे में एक एक पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। और खासकर आप देखते हैं कि एमपीपीएससी का एक प्रीलिम्स है, तो उसके लिए आप लोग देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एमपीपीएससी के लिए। और आप लोग जो सिविल सर्विस देखते हैं ना, उसी की तर्ज पर स्टेट अपना स्टेट पीसीएस करवाते हैं, जिसमें एमपीपीएससी भी, और इसका सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। और अगर आप लोगों ने एमपीपीएससी के में कुछ भी नहीं जानते, आप लोगों को जीरो से अगर पढ़ना है आप लोगों, तो एक क्या करिए, आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाइए, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, पैटर्न भी मिल जाएगा और पुराने क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग जनवरी 2021 की जो घटनाएं थी उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप सभी जानते हैं शिवराज सिंह है, इन्होंने एक पंख अभियान चलाया था। क्या पंख अभियान? ये सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता है कि पंख अभियान किससे संबंधित है, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के बारे में मैं बताऊं तो आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था, और आपको मालूम होगा कि 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था आपका मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। अब आप सभी जानते हैं कि दूसरे नंबर पर है आपका क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान, और पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है। क्या आता है? राजस्थान आता है। और मध्य प्रदेश के बारे में और कुछ अगर आप लोगों को पॉइंट बताऊं तो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अब बात करते हैं पंख अभियान के बारे में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अवसर पर बालिकाओं के सशक्तिकरण, किनके? एक पंख अभियान बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। किनके? बालिकाओं के, ठीक है, बालिकाओं के सशक्तिकरण यानी कि बेटियों के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की गई है। और पंख में पी का मतलब प्रोटेक्शन, सुरक्षा होता है, एक अर्थ अपने अधिकारियों के संदर्भ में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता होता है, एन का मतलब न्यूट्रिशन होता है यानी कि पोषण होता है, के का मतलब नॉलेज होता है यानी कि ज्ञान होता है, और एच का मतलब हेल्थ होता है यानी कि स्वास्थ्य होता है। तो इसके बारे में यह अभियान 1 साल तक चलेगा। कितना? 1 साल तक चलेगा। तो ये किन किससे संबंधित है? बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास से संबंधित, तो ये भी याद रखिएगा और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगली खबर आपकी देखेंगे हम लोग कि मध्य प्रदेश सरकार और IIIM इंदौर ने आत्मनिर्भर, क्या आजकल आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की ज्यादा बात हो रही है, और कई लोग उदाहरण दे देते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है तो आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन बेचारे
मध्यम परिवार के लोग रहते हैं, कहां से बने, मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश सरकार और आईआईएम इंदौर ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और आईआईएम इंदौर मध्य प्रदेश सरकार को एक नई औद्योगिक नीति विकसित करने के साथ साथ राज्य की व्यापार करने की सरलता की रैंकिंग में सुधार करने में मदद करेगा, और रणनीतिक अभियानों को आईआईएम इंदौर द्वारा ब्रांड मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर एवं समृद्ध प्रदेश के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आईआईएम इंदौर राज्य सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर के शिखर सम्मेलनों में समर्थ एक तरह से क्या रहेगा, समर्थन और परामर्श प्रदान करेगा, तो ये भी याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं इंदौर क्या है, इंदौर इंदौर में आप लोग एमपीपीएससी की कोचिंग के लिए भी तो जाते हैं, काफ़ी अच्छा शहर है। और आप देखें जो स्वच्छता अभियान के जो आंकड़े आते हैं ना, सूचकांक एक कही रैंकिंग कह लीजिए, उसमें इंदौर आपका पहले नंबर पर बना हुआ है कई सालों से, ठीक है। फिर आप देखेंगे विप्रो ग्रुप ने, किसने, विप्रो ग्रुप ने मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एक तरह से गवर्नमेंट के नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा, कौन, विप्रो, कार्यान्वयन स्तर पर नई शिक्षा नीति के संदर्भ में मध्य प्रदेश के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में काम करेगा, और विप्रो भोपाल मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, कहां, भोपाल में, तो ये भी याद रखिए, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल आप सभी जानते हैं। और विप्रो को विश्वविद्यालय विकसित करने के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिसका कार्य अगले 18 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। और आईआईटी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अवसरों को विकसित करने हेतु विप्रो भोपाल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी विकसित करेगा। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मध्य प्रदेश के 5 जिलों में सक्रिय, और भोपाल के जवाहर भाल भवन में आदर्श आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए तैयार है, तो ये भी याद रखिएगा, किसके बारे में, विप्रो के बारे में। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ना विप्रो, और आप सभी जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, विप्रो की इसकी स्थापना हुई थी कब, 29 दिसंबर 1945 में इंडिया में, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कोई कंपनी चर्चा में रहती है तो मुझे लगता है कि उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर आपका है ये मध्य प्रदेश में नॉर्थन कोल फील्ड और झारखंड में सेंट्रल कोल फील्ड, महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोल फील्ड को सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में नॉर्थन आप देखेंगे कोल फील्ड लिमिटेड को आप देखेंगे, इसे 2000 कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से और कोयला उत्पादन उत्पादकता में उसके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में नॉर्थन कोल फील्ड भी इसमें शामिल है। और यह पुरस्कार केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला आप देखेंगे मध्य प्रदेश में डीबीटी, क्या, डीबीटी के माध्यम से बिजली सब्सिडी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है, कौन, एमपी, आपका एमपी। और जनवरी 2021 के महीने में मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बिजली सब्सिडी प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, और इसलिए बिजली क्षेत्र में 3 उद्देश्यीय सुधारों में एक महत्वपूर्ण सफलता लागू किया गया है। और मध्य प्रदेश की इस उपलब्धि ने उसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.15% के बराबर ऋण प्राप्त करने हेतु योग्य बना दिया है, और इसलिए वित्त मंत्रालय ने पहले ही राज्य को खुला बाजार आधार के माध्यम से 1423 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि अगली खबर आपकी है, मध्य प्रदेश ने जिम्मेदार पर्यटन को दोहराने हेतु केरल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ, केरल के साथ, ठीक है, मध्य प्रदेश ने जिम्मेदार पर्यटन को दोहराने के लिए हेतु केरल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और आपको केरल के राज्य के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आप देखिए केरल से भी आपके
चर्चा में है तो क्वेश्चंस पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप लोगों को जान लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल की, क्या है, तिरुवनंतपुरम है। और आप देखेंगे कि अगर 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था, यहाँ विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 20 सीटें हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें एमपी की, तो एमपी में आप लोग देखेंगे 230 सीटें हैं विधानसभा में, 11 आपकी लोक राज्यसभा में सीटें हैं, 31 आप कितनी 29 आपकी लोकसभा में सीटें हैं, 230 विधानसभा, 11 राज्यसभा और 29 आपकी लोकसभा में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं इसमें क्या है। और केरल सरकार द्वारा जिम्मेदार पर्यटन अवधारणा को 2017 में शुरू किया गया था, और ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन आर्थिक कल्याण और समाज में स्थिरता, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सके। और पर्यटन क्षेत्र आप देखेंगे हमारी जीडीपी में, हमारी अर्थव्यवस्था में आप देखिए बहुत बड़ा योगदान है इसका। और इसका इसका उद्देश्य अगर देखें तो ग्रामीण समुदायों को विकसित करने के लिए एक टूल के रूप में पर्यटन का उपयोग करके उसी अवधारणा को दोहराना, और समझौते के तहत केरल 16 बिंदु कार्यक्रम के तहत सेवाएं प्रदान करेगा। आईटी मिशन के साथ मध्य प्रदेश की ग्राम सुंदरता, जीवन और विरासत पर प्रकाश डाला जाएगा, तो याद रखिएगा। और वैसे भी आपको मालूम होगा केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, क्या होगा, मालूम होगा। चलिए अगली खबर पर चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कौन सा, फ्लोटिंग मत विश्व का है, फ्लोटिंग पावर पावर प्लांट कहां देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहां है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर आप देखेंगे 600 मेगावाट, कितना 600 मेगावाट मेगावाट, ठीक है, बिजली बनाने की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा, किस पर, नर्मदा नदी पर, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेगा, नर्मदा नदी पर। और आप देखेंगे कि और 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा इससे। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड द्वारा 300 करोड़, माफ करिए 3000 करोड़, कितना 3000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया गया है इसमें, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आजकल आप लोग देख रहे हैं किस तरह के संगठनों से भी पूछने लगे हैं, क्या पूछने लगा, संगठनों से भी, तो विश्व बैंक के नाम से भी आप लोग हिंदी में से जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय द्वारा 4 सुधारों से में से 303 को पूरा करने पर वाले पहले राज्य बने हैं, कौन से, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, एमपी और आंध्रा, क्या, आंध्रा, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 3 सुधारों को पूरा करने के लिए 2 राज्यों को मान्यता दी गई है, शहरी स्थानीय निकाय सुधार, वन नेशनल वन कार्ड सुधार और व्यवसाय करने में सरलता में सुधार, और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4th सुधार विद्युत क्षेत्र पावर सेक्टर सुधार है, और दोनों राज्यों ने इन सुधारों को पूरा कर लिया है, इसमें इसलिए वे अब नए लॉन्च के लिए किए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत वित्त मंत्रालय ने आप देखेंगे 1004 कितना 1004 करोड़ रुपए विशेष सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और इस राशि का उपयोग वो राज्य द्वारा स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, शिक्षा आदि क्षेत्रों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सकता है। और कोविड-19 के कारण का राजस्व में कमी का सामना कर रहे राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने हेतु वित्त मंत्री द्वारा पूंजी व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ट्राई फूड, क्या, एमपी में ट्राई फूड, ये क्या है, ट्राई फूड पार्क, ये आप देखेंगे ट्राइबल को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने मध्य प्रदेश राज्य में 5 ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में। फिर आप देखेंगे ट्राई फूड पार्क की बात करें क्या है, तो इस तरह के पार्क बंधन केंद्रों से कच्चे माल की खरीद करते हैं और फिर ट्राइब्स इंडिया स्टोर के माध्यम से उत्पादों को देश भर में बेचते हैं।
आप देखते हैं कि हमारे देखिए वनों से भी बहुत सारे आप देखिए कच्चे माल उपलब्ध होते हैं, और इस तरह से पार्कों का ध्यान जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्रित किए जाने वाले माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन के अलावा जनजातीय आय को बढ़ावा देना। अभी भी आप देखें जनजाति वनों पर ही निवास करते हैं, उन्हीं में रहते हैं, वहीं से अपनी जीवन यापन करते हैं। ट्राइफेड की सलाह के तहत वन कल्याण आश्रम SHG की पहचान, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में नए बंधन केंद्र बनाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएगा। तानसेन सम्मान, तानसेन समारोह, समारोह ये आप देखेंगे अभी हाल ही में ये 5 दिवसीय 96वां, ये भी आप लोगों को याद रखना है 96वां है, कौन सा 96वां तानसेन समारोह आपका हुआ है। कहाँ है हुआ है ये? तानसेन के मकबरे के निकट ग्वालियर के बेहट गांव में, तो ग्वालियर में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बेहट गांव है ग्वालियर का, वहां आयोजित किया गया है 5 दिवसीय। और आप देखेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खां कला और संगीत अकादमी और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है संयुक्त रूप से। पंडित सतीश व्यास एवं संतूर गुनी को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। पंडित सतीश व्यास को कौन है तानसेन सम्मान किसे दिया गया? सतीश व्यास साहब को। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक संतूर गुनी है, ठीक है। इस पुरस्कार में 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है और ये हिंदुस्तान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभिनय कला परिषद भोपाल की एक संस्था को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये आप देखें मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया है ये आप देखेंगे। एक अभिनव कला परिषद है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिए, परिषद भोपाल की है, ठीक है, राजधानी की। तो इसे आप देखेंगे राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह संस्थान 52 वर्ष से संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रही है, कितने 52 वर्षों से। तो ये जो जनवरी 2021 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और वैसे आप लोग अगर मध्य प्रदेश से निवास कर रहे होंगे तो देखिए MPPSC में आप देखिए खास खबरें ही पूछी जाती हैं, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग एक तरह से ओवरव्यू ले लेंगे हम लोग। और अब हम लोग फरवरी महीने की भी देख लेते हैं, क्या फरवरी महीने की भी देख लेते हैं इसी में, और इससे क्या रहेगा कि आपका एक ओवरव्यू लोग आ जाएगा। और देखिए एक तरह से क्या ये भी रहेगा कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आराम से उनका आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। तो जनवरी कवर कर लिया है, अब फरवरी देख लीजिए। फरवरी 2021 की घटनाएं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सांची के स्तूप को स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के चौथे चरण में चुना गया है, सांची के स्तूप को। मुझे लगता है कि आप लोग घूमने भी गए होंगे क्योंकि अच्छा स्थान है। और जब भी इस तरह के देखिए किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाते हैं तो मुझे लगता है कम से कम उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो आप देखेंगे जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे भारत में 12 स्थलों, कितना 12 स्थलों की पहचान की है जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चौथे चरण स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थलों के तहत स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदला जाना है। और SIP पहल की शुरुआत 2016 में की गई थी, कब 2016 में। और आप देखें PM मोदी द्वारा पूरे भारत में 100 स्थलों का पर स्वच्छता हासिल करने हेतु की गई थी। अब तक पिछले चरणों में पहले ही 30 स्थलों का चयन हो चुका है, कितने 30 स्थलों का। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से चौथे चरण में सांची स्तूप को चुना गया है, किसे सांची के स्तूप को। और परियोजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के बीच एक सहयोग है। सांची स्तूप के साथ निम्नलिखित स्थलों को पहले चरण के चौथे चरण में चुना गया है, पहल के चौथे चरण में। अजंता की गुफाएं आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, कुंभलगढ़ का किला ये राजस्थान में, जैसलमेर का किला राजस्थान में, और रामदेवरा ये जैसलमेर राजस्थान में, गोलकुंडा किला ये हैदराबाद तेलंगाना में, सूर मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, बांके बिहारी आप सभी जानते हैं मथुरा उत्तर प्रदेश में,
और आगरा का किला ये आप सभी जानते हैं, आगरा उत्तर प्रदेश में, कालीघाट मंदिर ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर है आपकी, डिंके सोनिया का पहला जीवाश्म भीमबेटका में पाया गया। किसका? डिंके सोनिया, सोनिया गांधी नहीं है याद रखिएगा, कांग्रेस की लीडर है ना ये। इसका पहला जीवाश्म आप देखेंगे भीम बैठका में पाया गया। कहाँ? भीम बैठका में, गुफाएं देखिए। जब भी टाइम मिलता है तो इस तरह के स्थानों पर जाया करिएगा, उसके बारे में पढ़ा करिएगा। सो इससे क्या रहेगा कि आपका दिमाग भी फ्रेश होता रहेगा और आप देखिए माइंड भी बढ़िया रहेगा और आप लोग इतिहास भी आपका कवर होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में भीमबेटका के चट्टानी अस्तरों में ऑडिटोरियम गुफा की छत में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंके सोनिया के 3 जीवाश्म मिले हैं, और ये 570 मिलियन वर्ष पहले की बात के जीवाश्म हैं। यह गुफा पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण गुफालकालीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी है, और भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देखने को मिलेंगी। कहाँ? ये रायसेन जिले में देखने को मिलेंगी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, रायसेन जिले में, ठीक है। और इसका इसके बारे में याद रखिएगा। अभी एक और हुआ है, जो होशंगाबाद नाम है ना, एक जिला था होशंगाबाद, क्या होशंगाबाद जिले का नाम बदल दिया गया। आजकल आप देख रहे हैं कि नाम बदलने की परंपरा भी बहुत है। इसका नाम बदल दिया गया, हो कर दिया गया, नर्मदा पुरम। क्या? नर्मदा पुरम कर दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी को श्रद्धांजलि देते हुए देने हेतु होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। और नर्मदा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है, आप सभी जानते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बुरहने, बंजारा, तावा, कजान, ओरसांग आदि हैं। और होशंगाबाद में अगर आप देखें तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य, हिल स्टेशन पचमढ़ी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जानते हैं आप लोग, ये सभी आपको देखने को मिलेगा, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगली खबर है आपकी, है विदेश में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में एमपी में 8 खिलौना विनिर्माण समूहों में से 3 की घोषणा की गई है, और इंडियन टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2300 कितना केंद्र सरकार ने 2300 2300 करोड़ करोड़ की लागत पर 8 विनिर्माण समूहों की घोषणा की है। 8 में से 3 मध्य प्रदेश में, 2 राजस्थान में, 1-1 कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इंडियन टॉय स्टोरी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य 3 चीन और ताइवान से खिलौना आयात पर निर्भरता को कम करना है, क्योंकि हम लोग खिलौने भी चाइना और आप देख रहे हैं ताइवान से बहुत खरीदते। योजना के तहत इस तरह के 35 समूह विकसित किए जाने हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपका 47वां खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ है। खजुराहो ये कहाँ देखने को मिलेगा, किन राजाओं से जुड़ा हुआ है, ये आप लोग नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। गूगल बाबा है तो उससे भी आप लोग मदद ले सकते हैं। महोत्सव, ठीक है, की शुरुआत हुई है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सप्ताह भर लंबे ये आपका 20 से 26 फरवरी तक चला था, कितना? 26 फरवरी, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिए। और 47वां ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित है, और महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया जाता है। समारोह में आप देखेंगे 44 वर्ष के अंतराल के बाद एक बार फिर से मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी जानते हैं कि चंदेला, जो चंदेल शासक थे उन्हीं ने करवाया था, और आप देखेंगे 950 से 1050 ईस्वी में के बाद मध्य करवाया गया था। फिर आप देखेंगे मांडू महोत्सव ये भी होता रहता है, क्या? मांडू महोत्सव। और खजुराहो आपका छतरपुर जिले में पड़ता है महोत्सव, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर ने 13 फरवरी को, कब? 13 फरवरी को, 13 फरवरी को धार जिले में मांडू महोत्सव का आयोजन किया था। कहाँ? धार जिले में, ठीक है। और मांडू उत्सव का
महोत्सव का उद्घाटन किया। और मांडू केंद्रीय भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में एक प्राचीन कला शहर है, इसकी अफगान वास्तुशिल्प विरासत के लिए भी जाना जाता है। और महोत्सव का उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए वाणी युक्त भावना में स्थानीय हस्तशिल्प, लकड़ी के कपड़े, खाद्य पदार्थों को दिखाना और मध्य प्रदेश की स्थानीय संस्कृति के साथ दुनिया भर के लोगों को परिचित कराना है। इस वर्ष महोत्सव का विषय खोजने मुझे खोजाओ। देखिए ये थीम भी याद रख करिएगा, विषय कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और आप देखते होंगे कि जो आपके दिवस मनाए जाते हैं ना डे, उनसे जरूर उसमें जरूर पूछता है कि इस साल की थीम क्या थी। इस बार की इसमें थीम रखी गई है विषय राय खोजने मुझे खोजाओ। इस बार की थीम रही है विषय कह लीजिए आपको, ठीक है। और खोज में, जिसका अर्थ है खोज में खोया हुआ, ठीक है। आयोजन के दौरान डायना एडवेंचर पार्क और जीवा संग्रहालय का उद्घाटन, एस्टो पार्क का निर्माण भी किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। अगली खबर है मध्य प्रदेश के पूर्व भारतीय क्रिकेटर नमन ओझा ने सेवानिवृत्त हुए हैं। कौन से? नमन ओझा। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि ये किस खेल से जुड़े हुए थे। ए, आप देखें क्रिकेटर थे, क्या थे? क्रिकेटर। मध्य प्रदेश के पूर्व भारतीय विकेट कीपर हैं बल्लेबाज नमन ओझा ने 37 वर्ष की आयु में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आप देखेंगे अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। उन्होंने तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और रणजी ट्रॉफी में एक विकेट कीपर द्वारा सर्वाधिक आउट 351 का रिकॉर्ड बनाया है। नमन ओझा ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए आप देखेंगे 2001 में शुरू की थी, तो ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। फिर अभी एक अभियान चला गया परियोजना, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इस तरह की परियोजनाओं से भी क्वेश्चंस पूछता है। जल अभी सेकम, क्या अभी सेकम परियोजना, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप सभी जानते हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया, जो अपनी तरह की पहली पहल है। और जल अभी से कम अभियान के तहत इन जल संरचनाओं को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ विकसित किया जा रहा है। कितना? 2,000। तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। किसमें? प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग, ऑनलाइन आप देख रहे हैं कितना महत्व बढ़ गया, ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन होने लगा सब शूटिंग, ठीक है। और 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम ने पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियंस में सबसे अधिक पदक जीते हैं। टोटल 11 पदक जीते हैं, जिसमें आप देखेंगे 4 आपके स्वर्ण हैं। कितने? 4 आपके स्वर्ण हैं। और आप देखेंगे आपके 2 रजत हैं और आप देखेंगे आपके 5 कांस्य हैं। क्या हैं? तो ये भी याद रखिए, कांस्य हैं। टोटल मिलाकर आप देखेंगे 5, 7, 11 हो गए आपके टोटल। और इसका आयोजन आप देखेंगे 29 से 30 जनवरी को कुबे शूटिंग फेडरेशन द्वारा किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप लोग एक पॉइंट रख सकते हैं कि मनीषा खीर ने महिला ट्रैप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। किसने? मनीषा खीर ने, ठीक है। इन्होंने महिला ट्रैप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक एक जीता है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। फिर आपका मध्य प्रदेश में भूरी बाई को भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। किसे? भूरी बाई को। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, भूरी बाई। और आप सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश की आदिवासी चित्रकार हैं भूरी बाई को भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। और जब इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ तो वह 6 रुपये की दिहाड़ी पर एक मजदूर के रूप में यहाँ काम करती थी। और भूरी बाई के शिखर सम्मान 1986 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था भूरी बाई को। 1998 में अहिल्या सम्मान भी पा चुकी हैं। 2009 में रानी दुर्गावती अवार्ड भी मिल चुका है। 2021 में पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया। किसे? भूरी बाई को। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1986 में
क्या शिखर सम्मान मिला था 1998 में इन्हें, 1998 में इन्हें आपको बता दूं कि अहिल्या सम्मान मिला था, और सन 2009 में इन्हें रानी दुर्गावती अवार्ड मिला था, और 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, अगली खबर है मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस ये आप देखेंगे SAANS अभियान शुरू किया है। क्या अभियान शुरू किया है? तो इसके बारे में देखिए, ये सीधा सा आप लोग का सीधा मतलब रखिएगा, आपसे पूछ लेगा SAANS अभियान किससे शुरू हुआ है, किससे संबंधित है? ये शिशु मृत्यु दर से संबंधित है, उसे कम करने के लिए, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल अभियान शुरू किया है। देखिए इसका पूरा नाम क्या है, एस से आपका क्या हो गया सोशल, ए से अवेयरनेस और ए से एंड मतलब एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया और सक्सेसफुल, तो अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 2019 में निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर हेतु शुरू किया था, और इसके तहत सरकार 2025 तक निमोनिया से होने वाली मौतों में 1000 जीवित बच्चों में से 3 से कम मौतों को कम करने का लक्ष्य बना रही है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय? तो ये आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है ये जबलपुर में देखने को मिलेगा, और इसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिलेगी। और न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार अवस्थी ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के प्रावधान 1 के अनुसार न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, और उन्हें 13 अक्टूबर 2016 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और 17 मार्च 2018 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, बजट चाहे भारत का बजट हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछते हैं। अगर आप लोगों ने भारत के बजट को नहीं पढ़ा है, जो आपकी तो करंट अफेयर्स आपका पूरा एक साल का कवर किया था, तो आप लोग जाइएगा समसामयिक की घटना चक्र 2022 के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें पूरा आपका करंट अफेयर्स एक साल का कवर किया गया है, वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बजट देख लेते हैं 2021-22 का, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2021-22 का है बजट, और आगे हम लोग नए बजट के बारे में बात करेंगे 2021-22, क्योंकि 22-23 का भी आ चुका है, जब हम लोग इस क्लास को कवर कर रहे हैं उस समय आ चुका है, तो पूरा एक साल का आपका इसमें करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, बाकी आप देखें 5 महीने का अगली क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपका करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आप देखेंगे आम बजट प्रस्तुत किया है, तो इसका वित्त मंत्री को याद रखिए फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और बजट की राशि आप देखेंगे कितनी थी, ये 2.41 लाख, कितना लाख नहीं होगा, लाख करोड़ होगा, समझ रहे हैं आप लोग, इतना बजट आप देखिए पेश किया जाता है 2.41 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं है, और केंद्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को 19,353 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान करेगी, और मध्य प्रदेश का इतिहास का पहला पेपरलेस बजट है। क्या पेपरलेस बजट है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और राज्य के लिए अगर बजट का संविधानिक प्रावधान देखें, तो आप सभी लोगों ने संविधान का आर्टिकल 202 पढ़ा होगा, जरूर 202 पढ़ा है। इसके अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष किसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व्यय का विवरण देना होता है, और संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अभिहित किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों व्यय का अनुमानित विवरण और आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए आप लोग, एक परिवार चलता है तो उसमें भी तो पैसा खर्च होता है, और आप लोग देखते हैं कि इतना खर्च होगा, इतना आप लोग अनुमान लगा लेते हैं पूरे परिवार का खर्च, अपने बच्चों का खर्च,
तो इसी तरह से सरकार भी तो काम करती है, तो उसके लिए भी तो खर्च चाहिए होता है। तो ये भी कुछ बता देता हूँ, इसमें प्रयुक्त शब्द राजस्व प्राप्तियां, क्या राजस्व प्राप्तियां आप लोगों ने सुना होगा, क्या राजस्व प्राप्तियां ये क्या होती हैं? तो आप देखेंगे कि राजस्व प्राप्ति की बात करें, प्राप्तियां या प्राप्ति की, तो प्राप्तियां जो सरकार द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, इसमें सरकार द्वारा करों और गैर करों, कर स्रोतों जैसे निवेश और ब्याज पर लाभांश के माध्यम से शामिल किया जाता है। ऐसे राजस्व व्यय की बात करें, अगर हम लोग राजस्व व्यय, व्यय मतलब आप समझ रहे हैं खर्च, और प्राप्तियां मतलब आय हो रही है। ये भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च, इसमें सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। राज्य सरकार को दिए गए अनुदान जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार शामिल रहता है, इसमें विदेशी सरकार और विश्व संगठन से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान भी शामिल होता है राजस्व व्यय में आपका। और पूंजी पूंजी में शामिल पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, पूंजी इसके शब्द से ही मालूम चल रहा होगा, पूंजीगत प्राप्ति। तो इसमें आप देखेंगे कि देखिए वे प्राप्तियां जो देयता उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं, और पूंजीगत व्यय में अगर हम लोग बात करें, पूंजीगत व्यय में आप लोग कोई भवन बना रहे हैं, कोई रोड डाल रहे हैं, तो ये पूंजीगत व्यय ही होगा इसमें, या सरकार द्वारा किया गया खर्च होता है जिसमें परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण होता है, या केंद्र सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आती है, इसमें भू उपकरण खरीद अवसंरचना निर्माण पर व्यय, शहरों में व्यय शामिल होता है। और इसमें केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को गिरवी ऋण और केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज भुगतान आदि भी शामिल रहता है। प्रत्यक्ष कर आप सभी जानते हैं, टैक्स की बात हो रही है, तो ऐसे कर जो व्यक्ति किसी व्यक्ति और कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं, इसमें आपका आयकर शामिल रहता है। एक ही प्रत्यक्ष कर की बात हो रही है, यानी कि हम पर लगाया जा रहा है तो हमें ही देना पड़ेगा प्रत्यक्ष कर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इसमें आयकर आपका शामिल है, और आप देखेंगे निगम कर भी शामिल है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ऐसे कर होते हैं जो माल सेवाओं पर लगाए जाते हैं, इनमें सेवा हो गया, आबकारी कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राजकोषीय ये कुछ ये शब्द हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो इन शब्दों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप लोग NCERT इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़िएगा आप लोग इन शब्दों के बारे में, हर बार थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे। राजकोषीय नीति, तो इसमें राजकोष नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने, उसे प्रभावित करने वाली अपने खर्च के स्तर और कर दरों को समायोजित करती है। राजस्व घाटा, क्या राजस्व घाटा ये क्या रहता है? तो आपको बता दूं कि देखिए राजस्व घाटा का मतलब होता है कि यह राजस्व प्राप्तियों पर सरकार का अतिरिक्त व्यय होता है। राजकोषीय घाटा, क्या राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा ये क्या रहता है? ये आप देखेंगे कि यह सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है जिसमें उधार शामिल नहीं होता है। फिर आप देखेंगे प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा, घाटा मतलब आप समझ रहे हैं घाटे में चल रही सरकार। प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को दर्शाता है। गैर कर राजस्व, ये सरकारी राजस्व हैं जो करों से उत्पन्न नहीं होते हैं। जीडीपी, जिसे आप लोग जीडीपी, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं, या एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी माल और सेवाओं का मूल्य होता है, या एक देश की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए एक तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए बजट की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये राजकोषीय घाटा आप देखेंगे 2,17,123.23 करोड़ रुपए अनुमानित है, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे 2022 के लिए, और यह है अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आप देखेंगे 4.50% है। कुल व्यय आप देखेंगे कि आपका कुल व्यय कितना, कुल व्यय होगा आपका 1,80,672.31 करोड़।
ठीक है, और जिसमें राज्यसभा की रूम में आप देखेंगे एक कितना, ये आपका होगा 1,72,970, ठीक है, 970.95 करोड़। और आप देखेंगे कि आपका पूंजीगत व्यय कितना होगा, 40,666.76 करोड़ रुपये। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए राजस्व व्यय हमेशा पूंजी व्यय से ज्यादा ही होता है। और प्राप्तियों की बात करें, ये तो व्यय का काम हो गया आपका, और अगर कुल प्राप्तियां देखें तो अनुमानित राजस्व प्राप्तियां आपकी कितनी, ये आप देखेंगे कि आपका 1,64,676.45 करोड़ रखी गई है। प्राप्तियों की बात हो रही है, अब देखिए अनुमान की बात हो गई। और इसमें पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से आप देखेंगे इसमें से 51,276.80 करोड़ की बात हो रही प्राप्त होंगे, ठीक है। और सरकार के अपने कर राजस्व के लिए आप देखेंगे इसमें के लिए इसमें आपके कितना है, 64,913.99 करोड़ रुपये, ठीक है। और आप देखें ये आपकी 52,246.68 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी होगी। सार्वजनिक ऋण में प्राप्तियों से आप देखेंगे 49,463.61 करोड़ आपकी 61 करोड़ रुपये होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप देखें अगर हम लोग बजट 2021-22 में नई योजनाओं की बात करें तो नई इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें आप देखेंगे यह योजना आत्मनिर्भर भारत योजना की समकक्ष है एक तरह से। इस योजना के तहत राज्य सरकार भौतिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार, सुशासन पर बल देगा। और फिर आप देखेंगे इसी में मिशन जनगण जनगण, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सामान्य नागरिकों और नागरिक कल्याण के लिए सार्वजनिक सेवाओं की सुविधाओं को सुगम बनाना है। लोक सेवा प्रबंधन, तो आप देखेंगे कि एकत्र कार्यक्रम, एकल नागरिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और पेपरलेस सरकार को बढ़ावा देने के लिए एमपी सरकार डायरी ऐप शुरू किया गया है। और परिचय पोर्टल, इस पोर्टल के माध्यम से सभी नागरिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगर हम लोग देखिए क्षेत्रवार व्यय की बात करें 2021-22 के अगर हम लोग किन क्षेत्रों में कितना व्यय की बात की गई है, तो आप देखें कि कृषि क्षेत्र में बात करें, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी किसान खेती से जुड़े रहे हुए, तो इसमें कुल बजट आप देखेंगे आपका 35 करोड़, मत करिए 35,353 करोड़ रुपये की बात की गई है खर्च करने की, किस पर, कृषि क्षेत्र पर। और अब तक मध्य प्रदेश ने गेहूं और दलहन के बेहतर उत्पादन के लिए 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है। आप सभी को मालूम होगा किसान कल्याण योजना शुरू होगी जिसके तहत प्रत्येक पंजीकृत किसान को 4,000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश देखिए एक प्रधानमंत्री वो सम्मान निधि अलग है, और मध्य प्रदेश में आप देखें कि आपकी किसान कल्याण योजना शुरू की गई जिसमें हर साल आप देखिए किसान को 4,000 रुपये दिए जाएंगे, 2,000 रुपये की किस्त लेकर, ठीक है। और 1,000 करोड़ रुपये का रुपये को 0% ब्याज दर पर ऋण के लिए आवंटित किया गया है मध्य प्रदेश में, कि किसानों को एक तरह से ऋण मिल सके 1,000 करोड़, ठीक है। और 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन मुख्यमंत्री फसल अपवर्जन सहायता योजना के लिए किया गया है इन्हीं में से, ठीक है। तो ये भी है कि किसानों की स्थिति तो सुधरे। राज्यभर में एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही कोल्ड स्टोरेज मार्केट लिंकेज जैसी अन्य सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ संपदा योजना के तहत मछुआरों की आय दुगनी करने पर बल दिया जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे मेक इन इंडिया के तहत उद्योगों के उत्पादन में 25% की वृद्धि होगी। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिधान योजना के लिए आवंटन
बजट आवंटन 112 करोड़ है, कितना 112 करोड़ रुपए है, और सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के तहत स्टार्ट यूजर बिजनेस इन 30 डेज का लक्ष्य लेकर चल रही है। टूरिज्म की बात करें, किसकी, टूरिज्म, और टूरिज्म में देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है, मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे लोग घूमने आते हैं ना उतीस। तो पन्ना जिले में डायमंड म्यूजियम की स्थापना की जाएगी और जटाशंकर छतरपुर में एक रोपवे का निर्माण किया जाएगा, इनको भी याद रखिएगा, ये भी बजट में एक तरह से तय किया गया है। अगर हम लोग जल और विद्युत योजनाओं की बात करें, विद्युत सुविधाओं के लिए, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण जल जीवन मिशन के लिए 6128 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई। पूछ लेगा आपसे ग्रामीण जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए खर्च करने की बात की गई है, 6128 करोड़ रुपए, जिसके द्वारा पूरे राज्य में 33 लाख घरेलू पानी के कनेक्शन लगाए जाएंगे। 2021-22 में जल जीवन मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें बिजली की कुल उपलब्धता 2020 तक आप देखेंगे 21,361 मेगावाट है, और बिजली विभाग के लिए बजट का आवंटन आप देखेंगे तो कितना है, ये 5,728 करोड़ रुपए की बात की गई है बिजली के लिए, ठीक। और 4,500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के सौर पार्क नीमच, साजापुर, आगर, छतरपुर, मुरैना में स्थापित किए जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र ओंकारेश्वर में विकसित किया जाएगा, इसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। और नए और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए कुल बजट का आवंटन का आप देखेंगे 44,152 करोड़ रुपए है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा भी जरूरी रहता है, और मुझे लगता है कि शिक्षा पर तो बजट खर्च अधिक ही होना चाहिए, शिक्षा हर किसी को मुफ्त मिलना चाहिए। मिशन बॉडी, सरकार बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसके लिए कला, संगीत, खेल आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री उदय योजना शुरू करेगी, जिसके तहत आप देखेंगे 9,200 सर्व सुविधा युक्त स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट आवंटन 1500 करोड़ रुपए, कितना 1500 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आप देखिए कितना खर्च होता है उसे, स्टार्स योजना के लिए 26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आप देखेंगे स्ट्रेंथिंग और टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्ट फॉर स्टेट योजना के तहत, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, ये आप देखिए योजना के लिए 26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आगामी 3 वर्षों में सभी ग्रामीण स्कूलों का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा, और शिक्षा क्षेत्र में इनकी विभिन्न योजनाओं के लिए 40,958 करोड़ रुपए की बात की गई है, 958, ठीक है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की बात करें तो मिशन नरमय के तहत गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी, और हब और स्पोक मॉडल को अपनाया जाएगा जो टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। 23 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, 3 चिकित्सा विश्वविद्यालय भोपाल, इंदौर, रीवा में स्थापित किए जाएंगे। कुल बजट में आप देखेंगे इसके लिए स्वास्थ्य के लिए, एक तरह से आप कह लीजिए लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए 15,622 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है, ठीक है। SC ST और अन्य कल्याण, इनके लिए क्या बात की गई है बजट में, तो आप देखेंगे कि सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कन्या सशक्तिकरण योजना, आदिवासी बालिका विज्ञान योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना आदि योजनाओं को बढ़ावा देगी। गुरुकुल आवासीय स्कूल को CBSE से समृद्ध स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। मध्य प्रदेश पहले से ही विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है, जैसे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च अध्ययन छात्रवृत्ति। फिर आप देखें खेल युवा कल्याण विभाग के लिए, मध्य प्रदेश 2022 में खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करने जा रहा है, तो राज्य में कुल 18 खेल अकादमियां संचालित हैं आपके देश में। पोषण के लिए पोषण मटका योजना के तहत अनाज, दालें, फल जैसी 178 टन खाद्य पदार्थ स्तनपान कराने वाली माताओं बालिकाओं आदि को प्रदान किया जाएगा। अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात करें तो मिशन पृथ्वी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और अर्थव्यवस्था की त्वरित वृद्धि, स्वरोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं को विंध्या वैली ब्रांड के साथ जोड़ना। और ग्रामीण शहरी विकास के लिए बात करें, अगर हम लोग किसके लिए, ग्रामीण शहरी विकास के लिए, तो कुल आबादी का लगभग 72% अभी भी गांव में रहता है, कितना 72%, तो इन पर भी तो ध्यान देना होगा। तो 2020-21-22 में कुल 5,200 किलोमीटर ग्राम सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मिशन
नगरोदय 600 करोड़ रुपए आवंटन किए गए इसके तहत, मिशन नगरोदय के लिए कितना 600 करोड़ रुपए, ठीक है। और भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 262, कितना 262 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मेट्रो चलना है ना भोपाल इंदौर में। मूलभूत अवसंरचना के लिए बात करें तो आप देखेंगे आगामी वर्षों में राज्य भर में 2241 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 105 रेलवे ओवरब्रिज भी शामिल हैं। अटल प्रोग्रेसिव और नर्मदा एक्सप्रेस वे के वे का निर्माण भी किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के लिए आप देखेंगे 7000, कितना 7341 करोड़ रुपए की बात की गई, आवंटित किया गया है। और जल संसाधन विभाग के लिए आप देखेंगे तो 6436 करोड़ की बात की गई है। और नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के लिए 300 करोड़ की बात की गई है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक दो बार क्लास को देखेंगे आप लोगों को याद हो जाएंगे। नर्मदा घाटी विकास के लिए आप देखेंगे आपका 3680 यानी कि 3680 करोड़ रुपए की बात की गई है। महिला सशक्तिकरण सम्मान और मुस्कान अभियान, प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी, ये कहा गया है। मुस्कान अभियान के तहत आप देखेंगे अपहृत लड़कियों को बरामद करने के लिए बात की गई है, अपहरण हो जाता है ना उसकी। कानून व्यवस्था की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एकल आपातकालीन नंबर 112 शुरू किया गया है। इस पर एक आप लोग एक कॉल करके अपने नागरिक पुलिस एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं आप लोग। कुछ और महत्वपूर्ण आपके देखिए वो हैं, मध्य प्रदेश में बजट 2021-22 का आकार क्या है, ये आप देखेंगे 241 लाख करोड़ रुपये। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब आयोजित होंगे 2022 में, कृषि और से संबंधित क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन किया किया गया 35353 करोड़ रुपये। भोपाल इंदौर और मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए बजट कितना दिया गया 260 करोड़ रुपये। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ विकसित किया गया, ओंकारेश्वर में। इस तरह से फरवरी महीने की आपकी जो भी घटनाएं रही हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लिए 2021 की। अब हमें मार्च महीने की बात करनी है, क्या मार्च महीने की।